हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक और कॉलेज केशव महाविद्यालय कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज है, तो जिनको भी इन दो लैंग्वेजेस में अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। कॉलेज काफ़ी अच्छा है और अच्छी पढ़ाई भी होती है। इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस कॉलेज में जो क्लासेस है वो मॉर्निंग में चलते हैं। क्लासेस आपके 7:30 से 9 चलेंगे और 4 दिन चलेंगे हफ्ते के मंडे टू फ्राइडे के बीच के, तो इससे आपकी जो पढ़ाई वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप मॉर्निंग का क्लास कर सकते हो, बाद में आप जो भी अपने क्लासेस है वो कर सकते हो। जिनको डिप्लोमा करना है उनके लिए भी इजी है, आपकी मॉर्निंग की ही क्लास चलेगी, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। आप मॉर्निंग में क्लास कर सकते हो और जो भी है इसका जो मतलब ये मेरिट लिस्ट है, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नेम्स हैं वो भी बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। 18 को पहली लिस्ट आ जाएगी, तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। तो फिर देखते हैं केशव महाविद्यालय में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं एडमिशन को लेके। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन सही सही टाइम पे मिलती रहे और आपका कोई भी फॉर्म या उसकी मेरिट लिस्ट ना छूटे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी देखते हैं केशव महाविद्यालय की इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, केशव महाविद्यालय में फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन्स के फॉर्म्स देखने के लिए सबसे पहले हम उसके होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब आप नीचे आते हो नोटिसेस में आपको दिखेगा सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज, साथ ही डिप्लोमा कोर्स इन जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज भी है। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज की नोटिस देखते हैं। फॉर 1 year सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज, admission to 1 year certificate course in French and German language is being offered in the college. तो इस कॉलेज में सिर्फ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज है। देयर आर 50 सीट्स इन ईच कोर्स। द क्लासेस फॉर दीज कोर्सेज शैल बी हेल्ड ड्यूरिंग 4 days अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। द डे शैल बी नोटिफाइड लेटर। टेंटेटिव टाइम ऑफ क्लासेस शैल बी फ्रॉम 7:30 AM to 9 AM। तो ये चीज़ इस कॉलेज की अच्छी है, जो मैंने पहले भी बताया है कि इस कॉलेज में मॉर्निंग के क्लासेस होते हैं, तो आपका बाकी जो भी क्लास है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप 7:30 से 9 की क्लास कर सकते हो और ये मंडे टू फ्राइडे के बीच में 4 दिन क्लासेस चलेंगी। द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इज एट अंडर, तो आपको वही है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन द अबव सर्टिफिकेट कोर्सेज शैल हैव टू अप्लाई थ्रू एन ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट keshav.du.ac.in। द लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ ये। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म। The last date for the submission of form is Wednesday 16 September 2020. तो 16 September last date है, उससे पहले आप form fill up कर सकते हो। Students are informed to upload the following documents along with their online application form. Passport size photograph in JPG format and of less than 200 KB in size. तो आपको passport size photograph चाहिए, self attested 12th class mark sheet और final mark sheet of the last exam pass in the case of students doing or who have passed graduation or post graduation. तो जिन्होंने graduation और post graduation कर रखी है उन्हें जो भी last exam pass है उसकी certificate की photo लगानी होगी। Admission shall be made strictly in the order of merit in each of the respective categories. तो ये है आपका schedule, देख लेते हैं। तो first list 18 September को आएगी, second list 22 September, third list 26 September, fourth list 30 September. More details shall be notified with the admission list on the college website. Selected students will be required to pay the fees through online portal available on the college website. तो जो भी select हो जाएंगे उनको fee pay करनी होगी। Students are advised to give their correct mobile number, otherwise they shall not be able to pay the fee through the online portal. तो ये चीज़ बहुत important है कि आप अपना correct mobile number ही देना, उसी से आपको fee pay करनी होगी। Fee once paid is non-refundable, और एक बार आप fee pay कर देते हो तो वो non-refundable है। तो इस college में अगर आप admission लेते हो और fee pay कर देते हो तो आप बाद में उसको withdraw admission नहीं कर सकते हो, क्योंकि fee non-refundable है। तो ये था certificate courses के लिए। अभी हम जो दूसरा नोटिस है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए वो देख लेते हैं।
तो जिनको भी डिप्लोमा करना है जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज में, एडमिशन टू वन ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज इज बीइंग ऑफर्ड इन द कॉलेज. देर आर 25 सीट्स इन ईच कोर्स. द क्लासेस फॉर दीज कोर्सेज शैल बी हेल्ड ड्यूरिंग 4 days अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. द डेज शैल बी नोटिफाइड लेटर. टेंटेटिव टाइम ऑफ क्लासेज शैल बी फ्रॉम 7:30 AM टू 9 AM. तो फिर वही चीज़ है, मंडे टू फ्राइडे 4 दिन क्लासेस चलेंगी, आपकी मॉर्निंग की क्लासेस होगी. द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इज एज अंडर पास सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इन कंसर्न लैंग्वेज और एन एग्जामिनेशन रिकोगनाइज एज इक्विवेलेंट. कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी और विद अ गैप ऑफ 1 year बिफोर द ईयर ऑफ एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन एन एडमिशन टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई द कॉलेज. तो जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ कि या फिर अलग किसी कॉलेज से किया या फिर गैप आ गई है उनमें, तो फिर उन्हें एग्ज़ाम देना होगा. और बाकी लोगों को ऐसे ही हो सकता है. स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन द अबव डिप्लोमा कोर्सेज शैल हैव टू अप्लाई फॉर एन ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट. तो जो भी है यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो. लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर्म इज वेडनेसडे 16 September 2020. और आपको जो मार्कशीट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करनी है, सेल्फ अटेस्टेड 12th क्लास मार्कशीट और मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास इन केस ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग और हु हैव पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन. तो लास्ट एग्जाम पास की लगानी है. सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास इन कंसर्न लैंग्वेज. और ये आपको सर्टिफिकेट एग्जाम की लगानी है. अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ इनरोलमेंट प्रूफ दे सकते हो उसकी जगह. एडमिशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन और एंट्रेंस टेस्ट फॉर हु इज रिक्वायर्ड. The tentative date of examination for admission of candidates having a gap of 1 year after passing the concerned language certificate course or students passing a certificate course in concerned language from other universities than DU will be between 22 September 2020 and 26 September 2020. However, students are advised to regularly check the college website for the exact date of the admission. तो exact date admission अभी नहीं बताया इन लोगों ने. 22 से 26 के बीच हो सकता है, उसके लिए आपको वेबसाइट बार बार देखती रहनी होगी. More details shall be notified with the admission list on the college website. Selected students will be required to pay the fee through online portal available on the college website. Students are advised to give the correct mobile number, otherwise they shall not be able to pay the fee through the online portal. तो mobile number सही देना बहुत important है. Fee once paid is non-refundable. तो आप वही चीज़ है कि एक बार आपने fee pay कर दी तो वो non-refundable है. एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर. जब हम ऊपर आएंगे तो admission form है, इस पर क्लिक कर देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा आपका एडमिशन फॉर्म. तो रजिस्ट्रेशन से पहले ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो देख लेते हैं. तो क्लिक ऑन रजिस्टर ऑन द टॉप राइट ऑफ द होम पेज. एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल एड्रेस, एंटर पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड. पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 characters लॉन्ग. ये सब चीज़ें ध्यान रखना. क्लिक ऑन रजिस्टर. अ वेरीफिकेशन लिंक विल बी सेंड ऑन योर ईमेल एड्रेस. लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट एंड क्लिक ऑन द रिसीव लिंक एंड इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन फॉर्म. तो आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. स्टेप्स फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म: एंटर पर्सनल डिटेल्स, एंटर पेरेंट्स डिटेल, एंटर कोर्स डिटेल्स, एंटर एकेडमिक डिटेल्स. मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th स्टैंडर्ड है. जो डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं उनके पास, जैसे जर्मन के लिए कर रहे हैं तो जर्मन में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फ्रेंच में कर रहे हैं तो फ्रेंच की सर्टिफिकेट होनी चाहिए. डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो. इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड, इसलिए बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप करना. स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल इन करेक्ट मोबाइल नंबर. ये चीज़ देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स ये थी केशव महाविद्यालय को लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया. आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो आप कर सकते हो. कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है और मॉर्निंग की क्लासेस हैं जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए. तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो. और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.